आज की खबर उन ग्राहकों के लिए जो मोबाइल कंपनियों के मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों के प्रीपेड के ग्राहक हैं। जागो ग्राहक जागो के अंदर एक शिकायत ऐसी भी आई है जिसमें अब मालूम पड़ा है कि कंपनियां किस तरीके से प्रीपेड के जो ग्राहक हैं मोबाइल के उनको कैसे चूना लगा रही है, यानी कि कॉर्पोरेट घराने किस तरीके से प्रीपेड ग्राहकों के कस्टमर के पैसे लूट रही है। इसका एक वाक्य हमारे सामने आया है और इस वक्त हम अजमेर वोडाफोन स्टोर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर अभी हाल ही में हम पूरा वाक्य जो ग्राहक है वोडाफोन के वो मैनेजर से मिलकर आए और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जो उनके कॉर्पोरेट के मैनेजर हैं उनको रिटेलर जो है उनको शिकायत करनी पड़ेगी, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो होनी होगी। सबसे पहले माली जो पूरा मसला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मसला पूरा है क्या। रमेश जी हैं हमारे साथ, ये वोडाफोन के ग्राहक हैं और प्रीपेड के ग्राहक हैं। इनके एक साल के अंदर 2000 रुपये पार हो चुके हैं, यानी कि वोडाफोन कंपनी ने लूट लिया। क्या ये पूरा मामला किस तरीके से ये लूट लिया? मैं नॉर्मली समय की कमी के कारण काफ़ी 1000-2000 पर रिचार्ज करा के रखता था, तो कभी की जरूरत पड़े तो उनके पैक एक्टिवेट कर सकूं। और पिछले एक साल से जब से ये फ्री डेटा के प्लान हुए हैं तो इन्होंने बैलेंस से काटना बंद कर दिया है, बट मेरा बैलेंस पड़ा रहता था कभी काम आ जाए। और मेरा आश्चर्य हुआ, कुछ दिनों पहले मेरा बैलेंस बिल्कुल जीरो हो गया। तो मैंने जब चेक किया तो पता चला कि मेरे पिछले एक साल में वैल्यू एडेड सर्विसेज के नाम से करीब लगभग 1.5 से 2000 रुपये डिडक्ट हो चुके हैं, जबकि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी इस तरह की कोई वैल्यू एडेड सर्विस ली हो। इसके लिए मैंने कस्टमर केयर में कॉल भी किया और मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी देता हूँ। उन्होंने बताया कि सर हम मैसेज आता है और गलती से भी मैसेज दब जाता है तो हम ये चार्ज कट जाते हैं। मैंने रिटर्न के लिए बात की तो उन्होंने रिटर्न के लिए क्लियर मना कर दिया कि अगर गलती से भी हुआ है तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो मैंने कहा अगर आप कैसी कोई वैल्यू एडेड सर्विसेज अगर एक्टिवेट करते हो, एक्टिवेट से पहले कंफर्म क्यों नहीं करते कि हमारा सिस्टम नहीं है, हम कंफर्म नहीं करते। अभी फिर मैंने वापस 500 रुपये रिचार्ज कराया, लेकिन उसमें पैक रिचार्ज करा था अगले दिन वापस कट गए। तो मैं कह रहा हूँ अगर मुझ जैसे पढ़े लिखे आदमी जो इतने 18-20 साल से मोबाइल यूज़ कर रहा है, जिसको अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। मेरा कंसर्न ये नहीं कि मेरा पैसा कितना कटा है, मेरा कंसर्न ये है कि आम आदमी का साथ जो लूटमार हो रही है ऐसा क्या हो रहा होगा। मैं जानता हूँ टेलीकॉम कंपनियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, पर इस तरह भरपाई करेंगे ये अनैतिक है, ये अनैतिक है। देखिए आप खास बात बता देता हूँ, जो प्रीपेड के ग्राहक हैं उनके लिए बहुत ध्यान करने वाली बात है कि जब आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो कई बार किसी तरह का कोई मैसेज आता है जो आपको दिखाई देता नहीं है, लेकिन आप उसको जब हटाने के लिए या ओके का बटन दबाते हैं तो ओके का बटन दबाते ही वो सर्विस एक्टिवेट हो जाती है। यानी कि जैसा रमेश जी के साथ हुआ है, इनके साथ इंग्लिश सीखो एक्टिवेट हुआ, वीडियो देखो एक्टिवेट हुआ, यानी कि इस तरीके की वो सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती है जिसमें आपको केवल ओके का बटन दबाना होता है। ये कंपनियां ये मैसेज जो है सीधे सीधे टेलीकॉम कंपनियां इस संदेशों के जरिए लूट रही हैं जो ग्राहकों का पैसा है प्रीपेड ग्राहकों का, उसको कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर रही है। यानी कि एक साल के अंदर 2000 रुपये रमेश जी के डिटेक्ट हो गए हैं। और सबसे खास बात है कि टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे संदेशों के ऊपर रोक लगानी चाहिए और इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर ट्राई को टेलीकॉम्पनियों को सख्त आदेश देने चाहिए। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर। नमस्कार, वोडाफोन से मैं रिया, आप कितना सहायता कर सकती हूँ? मेरे अकाउंट चेक करना, मेरा डिडक्शन क्यों है इतना? बैलेंस कितना कटा है सर? वैसे तो पिछले 2-3 महीने मेरे 2-3 हजार रुपए कट चुके हैं, अभी आज 21 रुपए फिर कट गया। मैं तो पहले बंद कर दिया रहा क्योंकि आपकी कंपनी न जाने क्यों पैसे काट दे दिए इसने। जिस नंबर से कॉल की इसी नंबर से बैलेंस कटा है? हाँ जी। कब कटा है सर बैलेंस? अभी मैसेज आया मेरे पास, कल कटा है। 21 रुपए कितना कटा है सर? 21 रुपए। ओके, निश्चिंत रहिए, पूरी सहायता की जाएगी सर। जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ कि आपके नंबर से इंग्लिश स्पोकन वीकली नाम की सर्विस एक्टिवेट हुई है जिसके वजह से बैलेंस कटा हुआ है। 19/5/2019 को ही एक्टिवेट हुई है। 3:16:25 मैडम, मैं मोबाइल तब से यूज कर रहा हूँ जब इनकमिंग के पैसे लगते थे, 15-20 साल से यूज कर रहा हूँ मोबाइल। उसके बाद कंपनी मुझसे ऐसे इस तरह का, पहले तो मुझे लगा चलो ठीक है ऐसा मैं 100-200 रुपए के लिए क्या करूं, पर ये बिल्कुल कंपनी की जाती हो गई है, हर महीने इतने पैसे काटे जा रही है। फ्री के हैं क्या पैसे? मुझे आपके सीनियर मैनेजर से बात करनी है, मैं ट्राई में शिकायत करना चाहता हूं, तो मुझे आपको बताइए कंप्लेंट कहां करूं? आई विल गो टू हायर मैनेजमेंट और मुझे शायद भारत सरकार तक भी जाना पड़े, मंत्रालय तक भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा। मुझे आप बता सकते हैं कौन आपको मेरी हेल्प करेगा? ओके, परेशान ना हो सर, पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है सर, सर आपके नंबर से ये सर्विस डीएक्टिवेट कर दूंगी। अरे ये कर देंगे, पिछले एक साल में मैंने 2000 रुपए बैलेंस कराया था,
वो 2000 बैलेंस सारा ऐसे कट गया मेरा, लूटमार लगा रखी आप कंपनियों ने। तो हम तो चलो ठीक है, पढ़े लिखे समझदार है, हम जो कुछ यूज करते हैं, हमें हम जैसे आम आदमी गरीब के साथ क्या करते होंगे, आपका खुद का पैसा कटे। तो आप मुझे सीनियर मैनेजर बात करा सकते हैं या मैं फिर आगे कंप्लेन करूं ट्राई में? सर आप पूरी सहायता की जाएगी सर, आप इसके लिए परेशान ना। बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ सर, मैं भी आपके जगह रहूंगी तो उतना ही परेशान होगी जितना आप परेशान हैं। तो सर आपके नंबर से ये सर्विस में डीएक्टिवेट हूँ, दोबारा से आपके नंबर से सर्विस एक्टिवेट नहीं होगी सर। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से कभी कंपनी के कॉल या मैसेज ना जाए, क्योंकि कंपनी के कॉल या मैसेज जाते हैं उसी के माध्यम से, अगर आप उसका गलती से भी रिप्लाई चला जाता है ओके हो जाएगा सर, तो ये आपके नंबर पे सर्विस एक्टिवेट हो जाती है। तो सर ये मैं डीएक्टिवेट कर दे रही हूँ, ठीक है सर? आपके नंबर पर तो नहीं, ये गलती से भी हो सकता है, जो कंफर्मेशन मैसेज आता नहीं आना चाहिए, अगर कोई गलती मैसेज आते हैं सर आपके नंबर पर, अगर कोई सर्विस डाउनलोड होती है तो कंफर्मेशन के लिए मैसेज आते हैं, और गलती से भी अगर उस पर क्लिक हो गया सर, आपको उसे ओके कर दिए तो सर्विस एक्टिवेट हो जाए। मैडम दिन भर बिजी रहते हैं, अब ऐसे मैसेज आएंगे तो ओके, हम देर लगता है कोई मैसेज है ओके कर दिया, अब हमें क्या मतलब वो डेट एक्टिवेट कर रहे हैं जी। तो सर आप इसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, कि आपके नंबर पे डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा एक्टिवेट कर दूँ। तो कर ही दीजिए, और मेरा पिछले कॉल या मैसेज नहीं किया। हाँ मैं देख रहा, पिछले एक साल में मेरा कितना पैसा वैल्यूएटेड में गया है, मैं भी चेक कर पा रही हूँ सर, कि आपका काफी बैलेंस आपका कटा हुआ है सर। ये आपके नंबर से 2 तारीख के डेट में 3:18 19 सेकंड पे 21 रुपया कटा हुआ, फिर 31 तारीख के डेट में 5 रुपया कटा हुआ, फिर 26 तारीख के डेट में 21 रुपया कटा हुआ, फिर 19 तारीख के डेट में 21 रुपया, फिर 398 रुपया। तो ये आपके नंबर पे रिचार्ज एक्टिवेट किया गया है, ठीक है सर? उसके बाद सर 7 तारीख के रिचार्ज में लास्ट ईयर मैंने 2000 रुपए रिचार्ज कराया था, मेरा कोई भी उसके बाद जो पैसे एक्टिवेट करते हैं वो बैलेंस में डिडक्ट नहीं होता है, मुझे अलग से उसका रिचार्ज कराना पड़ता है। तो 2000 रुपए मेरे से वैल्यूएटेड में गए हैं मैडम, आपके कल ये कर दें। समय दीजिएगा सर, सर हमारे पास ज्यादा पुराने इन्फॉर्मेशन नहीं होते, मैं भी समझ पा रही हूँ सर कि आपका काफी बैलेंस कटा हुआ, तो सर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके नंबर पर डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा एक्टिवेट कर दूँ सर। वो तो करिए, लेकिन मुझे पुराना पैसा कटा है, उसका कैसा रिकवरी होगी सर? रिफंड तो नहीं हो पाएगा सर, इसलिए नहीं हो पाएगा सर कि 24 घंटे के अंदर का ही बैलेंस कटे हैं, लेकिन दोबारा से आपके नंबर पे बैलेंस नहीं कटेगा। और अगर मुझे ये आगे ऊपर तक पहुंचाना हो कि आम लोगों तरह वैसे लूटमार करते हो, कैसे करें? सर मैं आप इसके लिए परेशान ना हो, मैं आपका फीडबैक ले रही हूँ, आपका जो प्रॉब्लम है सर बिल्कुल आपको आगे तक शेयर मैं दोबारा से बैलेंस ना कटे आपका। आपकी जो भी बात हुई सारी रिकॉर्ड हुई है, मैं मीडिया में जा रहा हूँ आज, जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन सबको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ वोडाफोन कंपनी इस तरह करते हैं, और ये मेरे पास प्रूफ भी है सारे कि जितने मैसेज हमने ड्रेस किए ना सारे मैसेजेस पड़े मेरे पास, जबकि मैंने कभी नहीं किया, और मुझे कोई भी वेरीफाई कर सकता मैं कितना पढ़ा लिखा और किस तरह का आदमी। आपसे रिक्वेस्ट है सर, मैं आपके नंबर पर डोनाल्ड सब की सेवा एक्टिवेट कर दूँ। अरे वो तो आप करेंगे, लेकिन मेरा कर देंगे, बाकी दुनिया भर में लोगों का उसका कैसे करेंगे आप? ये तो बिल्कुल आप इस तरह का मैसेज देते हैं जो आदमी बिना पढ़े लगता कोई मैसेज आएगा ओके कर देते और आप एक्टिवेट कर देते, ये तो लूट रहे हैं आप। सर आप हमें जानकारी मैच करा दीजिए, लास्ट रिचार्ज कितने का करा है? मैंने 500 रुपए कराया था। ओके, जानकारी मैच कराने के लिए धन्यवाद, ठीक है सर। सर डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा आप खुद के माध्यम से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, आप करना चाहेंगे या हमारे माध्यम से कराना चाहेंगे? डू नॉट डिस्टर्ब तो कर दीजिए एक्टिवेट, मुझे ये बताइए कि आगे मैं किससे बात करूं ताकि और लोगों से प्रॉब्लम ना हो, मेरे नहीं वो दुनिया के और मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं मुझे गुस्सा आ रहा है सर। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, आपके जगह मैं भी हूँ तो हमें भी उतनी परेशानी होती जितना आप परेशान। मैडम आपको आप कॉल सेंटर जॉब करते हो, आपकी जो सैलरी मिलती है आप अपना काम कर रहे हो, ये हायर मैनेजमेंट की बात है। वोडाफोन और इतने वैसे लॉसेज में अगर ऐसा रहा तो कंपनी बंद हो जाएगी, जियो पूरा टेक ओवर कर देगी, वो फ्री में होने के बावजूद चार्जेस नहीं काटते, आप पेड होने के बावजूद पैसे ले रहे हो, ये मेरी प्लीज रिकॉर्ड कीजिए और आगे मैनेजमेंट तक बात पहुंचाइए। और मैं तो कह रहा हूँ एस्केलेट करने वाला हूँ, मीडिया में जाने वाला हूँ, लेकिन आप लोग बता रहा हूँ कि बिल्कुल आप इसके लिए स्वतंत्र हैं सर, क्योंकि मैं आपको यहाँ से गलत जानकारी नहीं दे सकती, ठीक है सर? और आपका जो फीडबैक है यहाँ से मैं आपके मेरे पैसे रिफंड होंगे नहीं होंगे ये जो कटे हैं सर? बैलेंस तो रिफंड नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी सर। ठीक है, अब जो आपको कंपनी दिक्कत है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ एडवांस में।